नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। जौनपुर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जिले के दौरे पर रहे। डिप्टी सीएम ने पार्टी कार्यालय पर पार्टी के पदाधिकारियों जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके 2024 लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए रणनीति बनाए। उसके बाद कलेक्टरेट मीटिंग हॉल में जिले के जनप्रतिनिधियों वाले अधिकारियों के साथ बैठक करके जिले में चल रही विकास कार्यों, केंद्र व प्रदेश सरकार चलाई जा रही योजनाओं पर बैठक की। बैठक के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले में चल रही योजनाओं व विकास कार्य की प्रगति काफी अच्छी है, लेकिन नमामि गंगे योजना के तहत चल रहे सिविल लाइन का कार्य की प्रगति काफी धीमी है, जिस पर कार्यदायी संस्था को कार्य में सुधार लाने के लिए आदेश दिया गया है। ये भी शिकायत मिली है कि सिविल लाइन के चलते जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे गंभीरता लेते हुए जांच कराई जाएगी। भ्रष्टाचार के सवाल पर कहा कि किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा, उसके लिए जेल के दरवाजे खुले हुए हैं। एक सवाल के जवाब में मौर्य ने कहा कि जिस तरह नगर निगम चुनाव में जीत हुई है, उसी तरह से आगामी लोकसभा चुनाव में हम लोग प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2019 से अधिक बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। मुझे हर तरफ कमल ही कमल दिखाई पड़ रहा है। अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी हो गई है, बहुजन समाज पार्टी अति समाप्तवादी हो गई है, कांग्रेस पूरी तरह से गायब है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जौनपुर पुलिस अधीक्षक की जमकर तारीफ की, कहा कि जौनपुर पुलिस अधीक्षक लगातार अपराधियों पर कार्रवाई करते हैं। संवाददाता हामिद हुसैन की रिपोर्ट।